गुड मॉर्निंग क्लास। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ये हमारा सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन की बात की थी, उसके आगे हम लोग नॉर्थन प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा नॉर्थन प्लेन को हम समझने की कोशिश करते हैं। द नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटर प्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर्स सिस्टम, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी, इनके द्वारा पूरा बनाया गया है, ठीक है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम एंड वास्ट बेसिन लाइंग फुट हिल्स ऑफ हिमालय 1 मिलियन ईयर, मतलब इतने सालों पहले की बात है, 1 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इट स्पेयर्ड आवर एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बिलोंग्स 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इट डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिकली डिवीज़न विद द रिच ऑफ कवरिंग सोइल, वहाँ का रिच है, एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, एग्रीकल्चर अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। जो ये जो लैंड है, ये जो एरिया है, वो प्रोडक्टिव है, कहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लेकर, ठीक है ना। ये आपको एक फिगर दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर देखो किसान दिखेंगे आपको, नॉर्थन प्लेन का फोटो दिखाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आगे देखते हैं। द रिवर इन देयर कोर्स ऑफ स्प्लिटेड इंटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट्स, देयर चैनल इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दो टर्मोलॉजी आपको यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटरी और आपको एक कौन ली है, एक कौन सी यूज़ करनी है, एक ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी कैसी होती है, जैसे मान लो एक नदी बहती हुई आ रही है और आगे जाके आपको स्प्लिट हो जाए, ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। और आपको ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरी समझने की कोशिश करो, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ आपको। दूसरे कलर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ये ट्रिब्यूटरी। ये मान लीजिए आपकी रेन है, रिवर है, और यहाँ से एक छोटी सी नदी आके इसमें मिल जाए, यहाँ से एक छोटी सी नदी आके मिल जाए, यहाँ से एक छोटी सी यहाँ मिल जाए, और ये बड़ी होती जाती है धीरे धीरे, बड़ी होती जाती है, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। मैं सीधा सीधा बताऊँ तो डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो बांटने का काम करे, और ट्रिब्यूटरी मतलब जो मिलाकर इकट्ठा होने का काम करे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज। तो नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू 3 सेक्शन। वेस्टर्न पार्ट नॉर्थन प्लेन रिफर द पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंडस ट्रिब्यूटरीज, आपको ट्रिब्यूटरीज मैंने समझा ही दिया है। द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन इन पाकिस्तान, कहाँ है सबसे ज़्यादा पार्ट? पाकिस्तान में। इंडस एंड ट्रिब्यूटरी झेलम रावी ब्यास, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ठीक है। ये एक क्रोनोलॉजी है, झेलम रावी ब्यास सतलज, ये पांचों नदियाँ पाई जाती हैं ऊपर पंजाब वाले रीजन में। पंजाब को इसीलिए पंजाब कहा भी जाता है पांच नदियों के कारण, ठीक है। दिस सेक्शन इज प्लेन डिनोटेड बाय दोआब, इसको दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब, ठीक है। ये आपको वन नंबर में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है दोआब क्या होता है, ठीक है। दो नदी के बीच का एरिया, अगर हम डायरेक्ट समझना चाहें, दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग ऑफ टू एंड अब मतलब वाटर, दो आब वाटर मिला। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड ऑफ टू वर्ड्स, पंच मीनिंग फाइव एंड अब मतलब वाटर, पंजाब मतलब पांच नदियों का समूह। कौन कौन सी? रावी ब्यास सतलज, झेलम रावी ब्यास सतलज, ठीक है। गंगा इज प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता, ठीक है। गंगा का जो प्लेन है वो कहाँ कहाँ के बीच में? घाघर एंड तीस्ता। स्पेयर्ड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पार्शियली इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। द नॉर्थ प्लेन इज जनरली डिस्क्राइब द फेल्ट नो वेरिएशन इट्स रिलीफ इट्स इज नॉट ट्रू। दिस वास्ट प्लेन हैविंग अ डिजर्व रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ फंड फीचर्स। द नॉर्थन प्लेन्स कैन डिवाइडेड इंटू फोर रीजन, कौन कौन से रीजन? फोर रीजन में कैसे? द रिवर डिवाइड आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेनिंग डिपॉजिट द पबल्स, पबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, आपने छोटे छोटे पत्थर देखे होंगे, वो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर लेके आते हैं जैसे ही वो उधर से निकलते हुए आते हैं, ठीक है ना। तो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विथ पैरेलल टू स्लोप, इसको बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं? भावर, भावर, ठीक है ना। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट, आप देखेंगे वहाँ पर सारी स्ट्रीम्स वो है ना डिसअपियर हो जाती हैं छोटे छोटे पत्थरों के बीच में, आपको दिखेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज वॉज द ट्रिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर क्रिएट टू क्रिएटिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड सेटल माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान पोर्सन लोकेलेटेड इन दुधवा नेशनल पार्क। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो दुधवा नेशनल पार्क में ये वाला जो रीजन है, जब हमारे पास 1947 में हमारे पास जब माइग्रेटेड पीपल्स आए, मतलब कुछ लोग पाकिस्तान रह गए, कुछ लोग इंडिया में रह गए, तो पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पे सेटल किया गया था। उस चक्कर में यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट्री को काट दिया गया था और यहाँ पे लोगों को फिर रहने के लिए रहने लायक बनाया गया था, ठीक है। द लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म ऑर्डर ऑफ एल्यूवियम
इट्स लाइज एबव द फूड प्लेन, दिस पार्ट इज़ नोन इट भांगर, क्या कहलाता है ये, भांगर कहलाता है, ठीक है। अब फिर द सोयल इन द रीजन ऑफ कंटेनिंग कैल्सीरियस डिपोजिट लोग नोन एज कांकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाबर क्या होता है, भाबर क्या होती है, बहुत साल पुरानी, बहुत साल पहले की मिट्टी होती है जहाँ फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। मतलब जो भाबर है वो कैसी है बेटा, जो उसकी फर्टिलिटी कैसी हो चुकी है, फर्टिलिटी कम हो चुकी है क्योंकि वो पुरानी मिट्टी है। और यहाँ पर आता है खादर, खादर क्या होता है, खादर क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है और वो अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो अगर भाबर का, भाबर और खादर में आपको अंतर पूछा जाए, आपको डिफरेंस डिफरेंस करने का बोला जाए, तो आप क्या क्या तीन डिफरेंस दे सकते हैं बड़े छोटे छोटे। पहली तो ओल्ड कौन है, अगर आप देखें भाबर की बात करें और खादर की बात करें, ठीक है, तो ओल्ड है कौन सी, भाबर, खादर न्यू है आपकी सोयल, न्यू सोयल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें फर्टिलिटी कैसी होती है, कम होती है, उपजाऊ क्षमता जिसको बोलते हैं, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, ये आप डिफरेंस उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। द यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड क्या है, या जो यंगर बेटा कैसा है, यंगर जो नया है वो खादर है, और जो ओल्डेस्ट है वो आपका भंगर है, ठीक है। अब आता है पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो इज टेबल टेबलैंड कंपोज बाय द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटाफॉर्मिक रॉक्स। आप इसको याद भी रख सकते हैं, आई एम पेनिनसुला, आई मतलब इग्निशियर मेटाफॉर्मिक लैंड। अगर आपको कोई पूछा जाए पेनिनसुलर लैंड, पेनिनसुलर में किस तरीके की रॉक पाई जाती है, तो इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग ऑफ पार्ट इज ओल्डेस्ट। आप देखेंगे मैंने शुरुआत में भी कहा था ये सबसे पुराना प्लेटो है। प्लेटो हैज़ ब्रॉडली स्लो बेली, हम लोग थर्ड चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस प्लेटो कंसिस्ट टू बोर्ड डिवीजन सेंट्रल, पहला डिवीजन कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड एंड जो दूसरा है डेकन प्लेटो, ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें पेनिनसुलर दो प्रकार का होता है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेकन प्लेटो। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इज लाइंग ऑन नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नर्मदा कवरिंग बाय द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो नोन एज सेंट्रल हाईलाइट हाईलैंड्स, ठीक है ना। कौन सा सेंट्रल, अगर आप देखें तो वो जो मालवा का प्लेटो है वो कौन सा सेंट्रल वाला है। बिंदर रीजन इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज साउथ एंड द अरेबल अरावलीज, अरावलीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अरावलीज पर्वत आपका कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान से देखने को मिलेगा और जो दिल्ली तक जाता है आपका, ठीक है ना। अब इसको देखो एक्सटेंशन कहाँ पे है, द फर्दर वेस्टर्न वेट द रेडुअली मर्ज द सैडी रॉकी डेजर्ट राजस्थान द फ्लो ऑफ रिवर रेनेज दीज रीजन नेमली चंबल, आपको चंबल मिलेगी, चंबल आपके एमपी में आप देखेंगे, और नॉर्थ वाले एरिया में बेतवा कैन ये सब आपकी एमपी की रिवर हैं, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाइडरी इन बेस्ट बट नो नेरो इन ईस्ट, आपको देखें उसे जो आपको देखेगा चौड़ा है कहाँ पे, वेस्ट में चौड़ा है आपको, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएगा छोटा होता जाता है, ठीक है ना। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटो इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड बघेलखंड, कौन सा बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये आपके एमपी के रीजन है, एमपी में जो रीवा वाला एरिया है वो आपका बघेलखंड, बुंदेलखंड वाला रीजन जो आपको ललितपुर से ऊपर लग जाता है, आप मुरैना वाला जो देखेंगे वो बुंदेलखंड वाला इलाका है, टीकमगढ़ वाला, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपको वाटरफॉल दिया हुआ है छोटा प्लेटो पे, छोटा नागपुर प्लेटो पे वाटरफॉल का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन डिनाय बाय द दामोदर रिवर, किसमें है छोटा नागपुर का है, दामोदर रिवर है, ठीक है, दामोदर रिवर में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात की गई है, पहले आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को समझो, ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है, कौन सा है, ये वाला ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब हम आगे देखते, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मार्क वेस्टर्न ईस्टर्न और रेंज और डेकन प्लेटो रिस्पेक्टिवली, वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू ईस्ट वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूसली एंड कैन क्रॉस थ्रू द पासिस ओनली लोकेटेड थार बहोर पाल घाट फिजिकली। वेस्टर्न घाट हायर देन द ईस्टर्न घाट, मतलब ऊंचा है वो हायर घाट से, एवरेज रेंज कितनी है उसकी, 900 to 1600 meters है अगेंस्ट द एज अगेंस्ट द 1600 meters इन ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट की रेंज दी हुई है, ये ईस्टर्न घाट की रेंज दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे महादेवी वैली है, ठीक है, आपको देखने को क्या मिलेगी, महादेवी वैली देखने को मिलेगी वैली, ठीक है। वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन नॉर्थ साउथ, हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, अन्नामुड़ी 2695 meters की, फिर डोड़ावेटा 2637 meters की, महेंद्रगिरी 1501 meters का हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, सिबरॉय हिल्स और जाबड़ी हिल्स लोकेलेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज ब्लैक सॉयल, कहाँ है बेटा इसका, ब्लैक सॉयल है, एरिया इज नॉन डेकन ट्रेप द
दिस इज द बॉलकैनिक ओरिजन हैंस रॉक्स आर इग्निशियस, मतलब जो ज्वालामुखी से बनता है ना वो वाला पत्थर है ये, इसीलिए इग्निशियस है। एक्चुअली एक्चुअली दिस रॉक हैव Denuded every over the time responsible for the formation of block soils. The Aravalli Hills lies on the eastern and southern margin of the peninsular. These are the highly erodible hills are known as broken hills extended from the Gujarat to Delhi. मैं आपको Aravalli Hills और दिखा देता हूँ, इसके बाद हमारा Indian Desert वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। अब हम Aravalli देखेंगे, Aravalli किधर पे लेगी आपको, ठीक है। ये आपको देखो Aravalli दिखेगी यहाँ पे, ये राजस्थान से होती हुई दिल्ली तक जाती है, इसी पर ये आपका ये राजस्थान से दिल्ली तक या Aravalli रेंज दिखेगी आपको। दिल्ली कब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।